हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप सब, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार इंडिया में। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की तरफ से निकाले गए नए नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि हमने आपको पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी थी, भारतीय वायुसेना की तरफ से अग्निवीर वायु सैनिक की भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लिंक एक्टिवेट यहाँ पे हो चुका है, आवेदन आप यहाँ पर कर सकते हैं। अप्लाई आपको इसमें कैसे करना है उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपकी 250 रुपये है। 12th क्लास पास आपकी इसमें मांगी है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं 23 नवंबर 2022 फॉर्म की लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले अप्लाई आप जरूर से कर दें। आपको ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर कैसे भरना है उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो बताएंगे। फॉर्म स्टार्टिंग से लेकर फाइनल प्रिंट तक पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। वीडियो पसंद आए इसे लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां जाकर आपको बताएंगे कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम अग्निवीर वायु की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम आपको फॉर्म फिल करना बताएंगे, कैसे आपको फॉर्म यहाँ पर फिल करना है अग्निवीर वायु का। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने यहाँ पर पहले कभी यहाँ पर फॉर्म को फिल किया है तो आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपने पहले यहाँ पर कभी फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा। हम शुरू से लेकर अंत तक पूरी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताएंगे, तो एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर बात करते हैं आपको रजिस्ट्रेशन में कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू यूजर पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर नाम डालना है। नाम आपको यहाँ पर अपनी जो 10th क्लास की पार्कशील मार्कशीट है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। अपने फादर का नाम आपको यहाँ पर डालना है, फादर नेम हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे अपना मदर नेम आपको डालना है। जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं आप वैसे वैसे यहाँ पर फिल करते जाइए। मेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है, मेल आईडी बिल्कुल सही डालिएगा। आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड होगा वो आपको इसी मेल आईडी पर भेजा जाएगा। मेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं अपना जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लीजिए, फीमेल है तो आप फीमेल यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है जिसपे कि आपका ओटीपी यहाँ पर जाएगा। ओटीपी आपके लिए यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी यहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा। आपको अपने मेल आईडी पर देख सकते हैं मेल आईडी भेजा जाएगा, आप अपने मोबाइल नंबर पर देख सकते हैं आपको ओटीपी वहां से मिल जाएगा। दोनों ही ओटीपी को यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कैप्चर कोड यहाँ देखने को मिलेगा। आपको इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल कर देना है। इसको फिल करने के बाद आपको यहाँ पर साइन अप पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको। देन आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका है। जो आपके यहाँ पे ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। आपके यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपको आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। आप वहां से चेक करके इसे यहाँ पे फिल कर दीजिए। अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे यहाँ पे एक कैप्चर कोड देखने को मिला होगा। आपको इसी कैप्चर कोड को यहाँ पे फिल कर देना है। देन फिल करने के बाद आपको साइन इन के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। साइन अप करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हो क्या जाएगा। आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड रीसेट यहाँ पर करना होगा। न्यू पासवर्ड आपको डालना है, कंफर्म पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है। आप अपना न्यू पासवर्ड यहाँ पे बना लीजिए। पासवर्ड को रीसेट करने के बाद आपको दोबारा साइन इन यहाँ पे करना होगा। अपनी ईमेल आईडी डालनी है, न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। न्यू पासवर्ड के बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चर कोड देखने को मिलेगा। आपको उस कैप्चर कोड को इसमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको दोबारा साइन इन के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन आपके सामने न्यू पेज ओपन होके आ जाएगा। आपको यहाँ से फॉर्म फिल करना है। पहले नंबर पर आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे पढ़ लीजिए आप अच्छे से, एक बार रीड कर लीजिए। यहाँ पर टिक करके आपको कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। सेकेंड नंबर पर आप देख सकते हैं फिल एप्लीकेशन फॉर्म, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट इसे यहाँ पर कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपनी आधी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल हुई मिल जाएगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पे फिल की थी। अब आपको यहाँ पे अपनी 10th क्लास की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपनी अपलोड करनी है। यहाँ से जाकर आप इसे अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल यहाँ पर सेलेक्ट हमारी हो चुकी है। फाइल आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पे 10 KB से लेके 50 KB तक के बीच में आपकी JPG यहाँ पर होनी चाहिए। PDF भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा अनमेरिड कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। आपको अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है। यहाँ से क्लिक करके आप इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए।
डेट ऑफ बर्थ को डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आप नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आ जाओगे। नेक्स्ट पेज पे आप डालने के बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। आप किस क्वालिफिकेशन में यहाँ पे इसमें अप्लाई कर रहे हैं, 10th क्लास, 12th क्लास, या कोई अपने डिप्लोमा यहाँ पे किया है। डिप्लोमा के बाद आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। आप यहाँ पर हम देख सकते हैं 10th क्लास के बाद इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपके फिर यहाँ पर सब्जेक्ट पूछे गए हैं, आपने किस सब्जेक्ट में यहाँ पर अपनी 10th 12th यहाँ पर कंप्लीट की है। हमने यहाँ पर देख सकते हैं कॉमर्स यहाँ पर आपका डाला हुआ है। आपने जिस भी सब्जेक्ट से यहाँ पे की हो, जिस साइड से यहाँ पे की हो, आप उसे यहाँ पर डाल दीजिएगा। आपको अपना बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप जिस भी बोर्ड से यहाँ पे आपने 12th क्लास पास की हो, हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना बोर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। हमने यूपी बोर्ड से यहाँ पे किया हुआ तो हम यूपी बोर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने जिस भी बोर्ड से यहाँ पे किया हो, आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अपनी परसेंटेज आपको यहाँ पे डालनी है, कितनी परसेंटेज आपके यहाँ पे 12th क्लास में थी। अपनी 12th क्लास की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, जो कि हमने यहाँ पे कर दी है, देख सकते हैं आप। सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब थर्ड स्टेप पे हम आ चुके हैं। एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर आपके मांगी है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है यहाँ पर, तो आप उसे यस कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं है तो आप उसमें नो कर सकते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पर बात करते हैं, आपकी हाइट यहाँ पर मांगी है, कितने सेंटीमीटर की आपकी हाइट है वो आपको फिल कर देना। अपना वेट आपको यहाँ पर डाल देना है, देख सकते हैं। आपका शू साइज यहाँ पर दिखाया गया है। कैंडिडेट चेस्ट साइज आपको यहाँ पर दिखाया गया है, कितनी आपकी चेस्ट है। यहाँ पर चेस्ट का साइज सेंटीमीटर में यहाँ पर मांगा गया है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर सारी जानकारी फिल कर दी गई है। अगर आपको यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइविंग आती है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा इसमें। यहाँ पर नहीं आती आप इसमें नो कर दीजिएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। नॉलेज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपकी अगर कैटरिंग क्वालिफिकेशन है, आप यहाँ पर येस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं नो या येस का ऑप्शन है। डू यू हैव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग नॉलेज हमको यहाँ पर है तो आप देख सकते हैं येस, या नहीं है तो आप नो यहाँ पर कर दीजिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने टैली यहाँ पे की हुई है, डिप्लोमा का टैली यहाँ पर डाला हुआ है, तो हमने उसमें यस को फिल कर दिया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर है या नहीं है, वो यहाँ पर अपने डाल सकते हैं। गेम एंड स्पोर्ट्स में आप यहाँ पर देख लीजिए, सारी जानकारी यहाँ दी हुई है, एक बार आप इसे रीड जरूर से कर लें। जैसे जैसे हम फॉर्म को बता रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। फोर्थ स्टेप पर यहाँ पर बात करते हैं, आपको यहाँ पर एड्रेस अपना डालना है। कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पर है, आपको अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, लोकेटी यहाँ पर आपको डालनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम अपना हाउस नंबर आपको यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। जैसे जैसे हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं, आपको पूरी उसी तरीके से यहाँ पर फिल करना है। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप यहाँ पर नहीं कीजिएगा। अपनी स्टेट आपको यहाँ पे चूज करनी है, आप जिस भी स्टेट से हो आप उसे यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। अपनी सिटी आपको यहाँ पर डालनी है, जिस भी सिटी से आप यहाँ पर बिलोंग करते हो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। तहसील आपको यहाँ पर अपनी डालनी होगी। पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे करेक्ट दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विलेज या टाउन से बिलोंग करते हैं उसे आप यहाँ पर डाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन देनी है। अपने यहाँ पर पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। सभी इन्फॉर्मेशन को फिल यहाँ पे करने के बाद, अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर देने के बाद, आपको सेव एंड कंटिन्यू पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे स्टेप कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ स्टेप में आपको यहाँ पे फोटो एक सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपने अपलोड करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज उसके यहाँ पर दिखाए गए हैं, आपके फोटो का साइज कितना होना चाहिए, आपके यहाँ पे सिग्नेचर का साइज यहाँ पे कितना होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे अपलोड इसमें करना है, वो आपका यहाँ पे कितने साइज का होना चाहिए। सारी जानकारी यहाँ दी हुई है। सब जानकारी फिल करके इसमें आपको सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है। पूरी जानकारी हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपनी यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करनी है। आप देख सकते हैं सिटी सेलेक्ट करने के बाद, हमने यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर ली है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं नोट यहाँ पर दिखाया गया है, आफ्टर सिलेक्शन एग्जाम सिटी के बाद आपको यहाँ पे होम बटन पर क्लिक कर देना है। सिटी को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन पर मेक अ पेमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जानकारी आपकी यहाँ पर दी हुई है। पूरा फॉर्म यहाँ पर आपका
प्रिंट होके आ चुका है। आप यहाँ पे एक बार इसे चेक कर लीजिए, आपने कोई भी जानकारी यहाँ पे गलत तो नहीं दी है। गलत दी है तो आप उसे एडिट यहाँ पर कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार इस फॉर्म को रीड जरूर से कर लें। कंटिन्यू टू पेमेंट पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू यहाँ पे अपनी पेमेंट को यहाँ पर जमा कर सकते हैं, अपनी फीस को। तो आप यहाँ पे पे के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके अपनी फीस को जमा यहाँ पर कर लेना है। फीस पेमेंट के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्रिंट आप इसका एक बार निकाल के यहाँ पर रख लीजिए, आपको बाद में जरूरत यहाँ पर पड़ सकती है। आपको फॉर्म सबमिट यहाँ पर हो चुका है, तो बिना देरी करे जल्द से जल्द जाइए आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर दे सकते हैं, क्योंकि साइट थोड़ी बिजी हो जाती है, तो बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो फॉर्म फिल यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। तो बिना देरी करे जल्द से जाइए इसमें अप्लाई आप कर दीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ किसी नए वीडियो में। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आपको ऑफिस फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है, भरने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपको जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।